व्यू देखो यार। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं जम्मू, जिससे जम्मू जाना चाहता है, आप समझ गए हो ना हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो चलते हैं। मैंने पिछली बार भी व्लॉग बनाया था बट वो अपलोड नहीं किया था, बट इस बार ये व्लॉग ज़रूर अपलोड। सो चलो हम निकलते हैं। ऐसे जम्मू के जो लोग हैं मैक्सिमम, बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जम्मू के लोग मैक्सिमम शाम को जाते हैं, शाम को वो चढ़ाई चढ़ते हैं और सुबह दर्शन करके घर पे आ जाते हैं। तो 6-7 बजे निकल जाते हैं, बट आज हम लेट हो गए हैं, 8:30 हो चुके हैं एक्चुअली। तो अभी मैं जा रही हूँ घर वालों के साथ, तो चलो अब जल्दी से। सो फाइनली हम कटरा पहुंच चुके हैं और ये रहा कटरा का मार्केट। अभी हम सबसे पहले तो टिकट्स लेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे टिकट। चल रोक दे, मैं लेके आती हूँ। जय माता दी। तो पहुंच चुके हैं हम कटरा, अब जाके हम जल्दी से टिकट्स ले लेते हैं पहले। सो आप ये पढ़ सकते हैं, ओपनिंग टाइम 5 बजे और 10 बजे क्लोज हो जाता है, तो चलो पहले टिकट्स ले लेते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली हमें ये टिकट ले लिए, और जो जो जा रहे हैं सबको एक एक करके टिकट लेनी पड़ती है। हमने सोचा कि हम ही सबकी टिकट लेंगे, बस ऐसा नहीं है, वहाँ जाके आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बतानी पड़ती है। मेन जहाँ से स्टार्ट होता है 13 किलोमीटर, बैग्स वगैरह चेक होंगे। आप कोशिश करें कि जितना लाइट बैग ले सके उतना बेटर है। हमने 2 बैग लिए सिर्फ, बिल्कुल रश नहीं होगा, ये होगा इधर 1 किलोमीटर लंबी लाइन। सो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और यहाँ पे कुछ चेकिंग होती है यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे थोड़ी लंबी लाइन है, वैसे हमें मिलती नहीं है कभी। सो अलग अलग लाइनें होती हैं, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग। जेंट्स की लाइन में बहुत ही ज़्यादा रश है और हम आराम से निकल जाएंगे 2 मिनट में। और ये एग्जिट गेट है, सुबह हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये एंट्री गेट है, दोनों अलग अलग हैं, एग्जिट है यहाँ से और ये एंट्री। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं 10:20 पे और मंदिर वगैरह आएंगे यहाँ से। आप पानी, एक काम करो बॉटल लेके चलो अपने साथ और रीफिल करते जाना, पानी के स्टॉप हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा। जय माता दी, 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 कर जय माता दी। बोलने वाला रास्ता ये सही है ना, बैग उठाओ ना कुछ, हाथ में हाथ पकड़ो माँ बेटे और चलते बनो। और मैं और पापा हम बेचारे बैग उठाए, देखा जुल्म हो रहा है गाइस, हम पे जुल्म। अगर आपको फोटोशूट कराना हो तो आपको अच्छी दुकान काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, कहीं पे भी करा सकते हो, एज अ मेमोरी लेके जा सकते हो। अंदर जाके आप नहा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, बहुत सही होता है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, अभी अंधेरे में कुछ खास तो नहीं दिखेगा, मतलब हमने जैसे एंटर किया इतना ठंडा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा, बट आप ये देखो ये नहा रहे हैं लोग, फोटो शूट चल रहे हैं। चलो अब चले आगे, ऐसे करके आप बैठ के भी आ सकते हो लोगों के कंधे पे, जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगी आपको। एक चीज़ बता देती हूँ, हमने सेंटर फ्रेश लिए अभी 5 रुपये के 3, ठीक है। तो भवन में आपको सब कुछ कॉस्टली मिलेगा, 20 रुपये की मैगी, 50 की, वैसे चिप्स 10 रुपये के, 15 के। इच्छा पूरी, भगवती दर्शन कर लो और आगे चलो। सही मजे बच्चों के, मजा आ रहा है। सो ये रहा आपका सेकंड स्टॉप चरण पादुका, यहाँ पे दर्शन करेंगे और निकलेंगे। दोनों जा रहे हैं गाइस, इधर से दर्शन कर लें, बहुत अच्छा मंदिर बनाया है यहाँ पे, सारी माताओं की मूर्तियाँ रखी। चलो अब निकले, ज़्यादा हम
स्टॉप नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें पहुंचना यार रसालिका खुल गया इधर। वाओ चल ले रसालिका। इसी चरण पादुका के बिल्कुल पास है, आई बिलीव ये नया खुला है और रसालिका जम्मू में है। मुझे उसकी चाट पापड़ी बहुत पसंद है, तो जल्दी से क्विक स्टॉप लेके खाएंगे और फिर निकलेंगे। हमारा ये चाट पापड़ी आ चुका है, दोनों सेम सेम लग रही है, कोई फर्क है? ओके लेट्स ईट, लेट्स डिग। अच्छा ये एज अ व्लॉगर आप मुझे फ्री दे रहे हो? एज अ टेस्ट का नहीं, ये मेरे ब्रांड नेम से है। अच्छा अच्छा ठीक, थैंक यू। क्या बात है भाई, व्लॉगर साहब बोल के गए हैं और वो टेस्ट करने के लिए बोला है। डिफरेंट सिर्फ 2 मंथ ही हुए हैं और ये जो उन्होंने मुझे फ्री में दिए टेस्ट करने के लिए एज अ ब्लॉगर, इसको रसाली का स्पेशल बोलते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट, अगर आप आ रहे हो तो ये ज़रूर टेस्ट करें। ओके बाय। सब बच गया था तो ये पैक कर लिया, क्यों वेस्ट करना था। तो हम अपनी फर्स्ट स्टेयर्स ले रहे हैं, शायद 1000 वाली है। मैं लास्ट टाइम जब आई थी मैंने स्टेयर्स ही ली थी और मैं हमेशा लेती हूँ पर हालत ख़राब हो जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या लेते हो। तो चलो आप जल्दी से लेते हैं। ये स्टेयर्स तो काफ़ी कम थी बट मेरी सांस फूल गई। लेनी है 360 है अगली। ओ भाई चल मुझसे चला जाए। चलो अब थोड़ा सा डांस करो। हाँ आप करो, मैं थोड़ी करूँगी। आप जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हो वहाँ से डांस करिए। बन अंकल ने मुझे जाना ही छोड़ दिया। मम्मा आइसक्रीम खा रही, क्या बात है, क्या बात है। मेरे लिए नहीं लिया बिना बंटे। तुझे मेरी वजह से फ्री सब कुछ मिल रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? फिर नहीं खा रही, मेरी वजह से मिल रहा है। ओ प्लीज ही इज जस्ट जेलस। यहाँ पे भी मैच हद, एक गंदी लग रही हूँ। 1 बज गया, 12:45 हो रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं कहाँ? अधगुआरी। वो वहाँ पे अधगुआरी। तो हम पहुँच गए इंदिरा प्रस्थ भोजनालय। यहाँ पे 50 रुपीज का खाना मिलता है, तो अगर आपको भूख लगी हो तो आप खा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश, यहाँ पे भी लोग सोए हैं, बच्चों के मज़े हो गए भाई, आराम से बच्चे जाते हैं सो गए। अगर आप सोओगे ना तो फिर इधर ही रह जाओगे, सोना तो कभी भी नहीं, नेवर। अगर आप आधे रास्ते में सोओगे तो फिर सुबह ही उठोगे। डेंगी। तो ये हैं वो इलेक्ट्रिक ऑटो जिनकी हमें नहीं सुविधा मिली 10 बजे, हम 1 बजे पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी निकलना पड़ता है यार, मतलब 5-6 बजे आपको नीचे से कटरा से स्टार्ट करना पड़ती है जर्नी। तो ये मैं आपको प्राइसिंग में यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, 354 पर पर्सन, लास्ट 10 बजे जाता है, तो इससे आप काफ़ी आराम से पहुँच सकते हो। बट चलो नेक्स्ट टाइम से ही, इन केस आपको ATM की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल जाएगा रास्ते में। और सामने भवन हिम कोटी मार्ग, ये कौन सा मार्ग है, ये क्यों नहीं जाते लोग इसमें से? ये वही मार्ग है जो नया खुला अभी। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जो खुशी खुशी जाते हैं इसमें बैठ के और दूसरे होते ये बेचारे, दोनों टिंडू दोनों रोते जा रहे हैं। 1 बज गया वैसे, सो बहुत ही खुश हैं हम क्योंकि भवन सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया। और ये जो रास्ता अब स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है चलने में क्योंकि यहाँ पे कोई घोड़े नहीं है और भजन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। आराम से मज़े से चलते चलो। पहुंच गए सत्या भोजनालय। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से इडली खाई थी गाइस, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो
इस बार हम यहाँ पे कुछ भी नहीं खाएंगे। चलो हम हाथी मत्था का डोसा खाएंगे। इनसे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुने आज जय माता दी, जय माता हिमकोटी पहुंच चुके हैं। और कितने बजे पहुंचे हम? हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक लिए, 2 बज रहे। चलो पहले डोसा खाते हैं। भाई डोसा है नहीं है क्या? टाइम है डोसे की? सुबह होता है डोसा नहीं है? हाँ मुझे लगा यहाँ पे है। हिमकोटी में आपकी चेकिंग होगी। लैप्स ऑन किया था वरना आपको दिखता कि मेरी आंख पे वजह सीधा डंडा, और माता रानी की कृपा से बच गई मेरी आंख। साकेत पहुंचे हम, भवन आ गया, घर वाले पीछे रह गए हैं यार, वेट कर लेते हैं क्योंकि भवन तो पहुंच ही गए। इसका मतलब हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वी आर ऑन टाइम 3 बजे। वाओ 10 बजे चले थे हम और 3 बजे पहुँच भी गए। 5 घंटे में क्या कर लिया हमने। हम पहुंच चुके ऑलमोस्ट। मम्मा को पकड़ पकड़ के लेना पड़ रहा है। बुरा भवन यहाँ तक आते हैं ऑटो, और यहाँ से समझ रहे हो आप इलेक्ट्रिक ऑटो यहाँ तक आते हैं, और यहाँ से फिर मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते भवन। ओ भाई साहब रश है इधर, भेंट शॉप पे बहुत ज़्यादा रश है। भवन पहुंच चुके हैं हम, पता कितने बजे? 37 को। यहाँ पे गंडोला है जो सीधा जाता है भैरव बाबा, तो ये जो रास्ता है ना, ये जो सागर रत्ना लिखा है, ये जाता है भैरव घाटी को, और आगे को जाता है वैष्णो देवी के दरबार, जो हम जाएंगे पहले दर्शन करेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, और फिर दर्शन करके फ्री होके भैरव घाटी चलेंगे ब्रेकफास्ट करके। रश तो बहुत ही ज्यादा, दर्शन तो हो ही जाएंगे। आप भवन के दर्शन कर लो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और फिर नज़ारे बदल जाएंगे और दर्शन करेंगे, और फिर अब मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगी दर्शन करने के बाद, क्योंकि हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, फ़ोन वगैरह, सब कुछ हम लॉकर रूम में लॉक करके और फिर बाद में ही सब कुछ मिलता है। अभी का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, दर्शन जो है वो आरती होती है, तो 5:30 बजे जो है वो द्वार बंद हो जाते हैं, और फिर 8 बजे तक आप दर्शन नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि या तो आप जल्दी आ जाओ, या तो फिर मतलब रेस्ट वेस्ट करके आराम आराम से चलते आओ, ताकि आप 8 बजे के बाद दर्शन करो। तो चलो मैं रेडी वेडी होकर फिर आपको मिलती हूँ।